हाई एवरी वन, वेलकम बैक टू माई व्लॉग चैनल। सो आज का वीडियो स्कूल ना कितना कूल लग रहा है, लाइट्स वगैरह। मैंने देखो इसमें लाइट लगाई हुई है, अगर आपको दिख रही हो तो देखो ये जो है ये लाइट्स लगी हुई हैं। आई होप देखो बहुत सुंदर लग रहा है, और ऐसे मैंने इसमें भी लगाया हुआ है। और हम लोग मैंने इसमें किसी ब्लॉग में दिखाया है कि नहीं, बट सी कितना सुंदर लग रहा है मेरा वो ना। ये पेपर इसलिए चढ़ा क्योंकि ये जो मेरा मिरर है वो चटक गया है। तो हम ऐसे रख लेते हैं। और आज का जो ब्लॉग, एक्चुअली मैंने ना कोई ब्लॉग आज मतलब मैंने बनाया नहीं, तो मैं अभी जा रही थी बाहर, तो मैंने कहा चलो आपके के साथ शेयर करती हूँ कि मैं बाहर जा रही हूँ तो लोग क्या करने जा रही हूँ, ठीक है। तो वो शेयर करूँगी। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, ठीक है। और मैं क्या पहनूंगी मैं आपको दिखाती हूँ। वैसे कोई ख़ास काम से नहीं जा रही हूँ, तो मैं ये वाला कुर्ता पहनने जा रही हूँ। आई होप कि अच्छा लगेगा। तो चलो मुझे जब मैं रेडी हो जाऊँगी पूरी तरीके से तब मैं आप लोगों के साथ मतलब ब्लॉग को कंटिन्यू करूँगी। फ़िलहाल के लिए अभी तो मैं नहीं रेडी हो रही हूँ। और आपने जो का सारा मेस देखा ना, ये मेरा अभी मैंने वीडियो शूट किया जस्ट अभी का ही है, वो दिवाली के मेकअप का है। तो वो मैं आज ही मैंने शूट किया है, अभी शाम में करीब मगरिब के टाइम, मतलब मगरिब के थोड़ा टाइम पहले मैंने शूट किया था। तो उसको मैं अभी ही एडिट करूँगी बिकॉज वो एडिट करना बहुत ज़रूरी है वरना। तो मैं इसको एडिट करूँगी। और ये मैम ने ना चेयर उल्टी रखती है, ओके तो उसको मुझे एडिट करना है। और क्योंकि मुझे उसे किसी भी हालत में मॉर्निंग में लाइव करना है, तो मैं बोल तो वो वाला जो मतलब वीडियो है वो मॉर्निंग में चला जाएगा इंशाल्लाह। बट ये ब्लॉग ना एक दिन बाद जाएगा, मतलब कल नहीं जाएगा परसों जाएगा, ठीक है, क्योंकि मुझे उसको एडिट भी करना है। ओके तो अच्छा लगे ब्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चलो मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे। ओके सो मैं यहाँ पर हो रही थी रेडी, सो आई थॉट कि मैं आप लोगों के साथ भी इसे शेयर कर दूँ इसी ब्लॉग में। तो सबसे पहले मैंने लगाया शुगर का मॉइस्चराइज़र, जो कि ब्लिंग वाला मॉइस्चराइज़र आता है ना वही वाला मैंने लगाया हुआ है। और यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड से बात कर रही हूँ, वो मैं आपको दिखाऊँगी अभी थोड़ी देर में और सुनाऊँगी भी, उसके लिए स्टे ट्यून्ड। एंड यहाँ पर कुछ हो रहा है, ओके मारो मारो अपनी बीवी को मारते, कुछ है नहीं थी ये प्यार महंगा पड़ेगा आपको, किसी ने बिजली बिल बताया है ओके ना अभी मेकअप पर आ जाते हैं। सबसे पहले मैंने स्विसबुरी का कंसीलर लगाया है, मॉइस्चराइजर लगाने के बाद थोड़ा बहुत लगाया है यूजुअल एरियाज़ पे, जहाँ पर मुझे डार्क स्पॉट और पिगमेंटेशन था वहाँ पर मैंने लगाया हुआ है। और इसको मैं ब्लेंड कर लूँगी अपनी ब्यूटी ब्लेंडर से। देन इसके बाद मैंने फिट मी का जो लूज पाउडर आता है उससे बस मैंने सेट कर लिया। सेटिंग मैंने बहुत अच्छे से करी थी लूज पाउडर से बिकॉज उससे मुझे बहुत अच्छा सा कवरेज भी मिलता है, एंड ऑल्सो मेरा जो कंसीलर है वो क्रीज़ भी नहीं होता। दैट इज़ द रीज़न मैंने सेटिंग पाउडर जो है अच्छे से लगाया हुआ है, वो भी फिट मी का है, तो ऑब्वियसली बहुत ही अच्छा है। आप लोगों को एक बार ट्राई करना चाहिए, अगर आप बताओगे तो मैं इसकी लिंक्स वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, बट इनकेस अगर आपको चाहिए हो तो ना। मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है वेट एंड वाइल्ड का जो आईब्रो किट आता है वो मैंने यूज़ किया हुआ है, एंड उसी से मैं अपनी आईब्रोज़ को फिल कर रही हूँ। मैं डेली बेसिस पर भी यही वेट एंड वाइल्ड का किट ही यूज़ करती हूँ, एश ब्राउन। एंड देन इसके बाद मैंने वॉट इज़ दैट लिपस्टिक शेड, आई थिंक फैशन कलर की लिपस्टिक थी, और शेड नंबर मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यहाँ पर मैंने लैकमे का काजल लगाया हुआ है एज अ आई लाइनर, एंड दैट इज़ प्रीटी मच डन। और उसे मैंने सेटिंग स्प्रे से सेट कर लिया है, और मैंने आई लैश को कर्ल किया था, दैट इज़ बस। उसके अलावा मैंने मस्कारा नहीं लगाया हुआ है। और ये है मेरा ओवरऑल लुक। यहाँ पर जो है मेरा जो आप देख रहे हो ना कुर्ता, वो थोड़ा बहुत कमर से मुझे ढीला लग रहा है, बहुत से आप बताओ लग रहा है ना, तो मुझे इसको थोड़ा सा टाइट कराना पड़ेगा बिकॉज ये अभी भी ढीला है। मैंने इसको करवाया है उसके बावजूद भी मतलब मेरी कमर अभी कुछ रही नहीं लग रहा है एकदम। बाय बोलो भैया, बाय बोलो बाय बोलो बाय बाय
ओके नाउ सो बस हम लोग अभी घर से बाहर निकल चुके हैं कुछ खाने पीने के लिए। तो मैंने आपको बताया कि नहीं बताया, हम लोग यहाँ पर निकले हुए हैं क्योंकि मेरी जो है यूट्यूब की पेमेंट आई हुई थी। तो हम लोग का चलो बाहर कुछ खा पी कर ही आते हैं। अब क्या खाने पीने जा रहे हैं ये मैं आपको आगे वहाँ जाकर ही बता पाऊँगी, क्योंकि जब तक मैं यहाँ से निकली थी बिल्कुल भी डिसाइडेड नहीं था कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो बस मैं अभी पहुँच कर आपसे वहाँ पर चल कर बात करती हूँ। सोना हम लोग आ चुके हैं मुबीन होटल में जो कि है ना खास में, और यहाँ पर हम लोग नहारी ऑर्डर किए हुए हैं और इमाम एज़ यूजुअल मोबाइल में ही लगे हुए हैं और वीडियोस देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। सो यस, हम लोगों ने भी अपना खाना बहुत अच्छे से एंजॉय किया। अरे माँ भैया, तुमने क्या खाया आज? क्या खाया था अबू? क्या खाया था बताओ अबू, देखें अबू कैसे खाया था, कैसे खाया था अबू, कैसे खाया था बताओ बताओ। बिल्कुल डॉगी देख रहा है, वो वहाँ खड़ा है, वो वहाँ खड़ा है। माँ तुमने क्या खाया था? ये कौन है इमाम? इमाम ने आपको खाया था? है इमाम हप्पू हो भैया, तो है हप्पू डांस कर रहे हो, तो गाना बजता है डांस निकल जाता है। हाँ अब्बा कहाँ हैं? पा रहे हैं ये बाय 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 खुशी एंड नाउ दैट इज़ इट। और बस यही था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। आई होप ये आपको इतना छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में, और लाइक और सब्सक्राइब कर देना मेरे इस व्लॉग चैनल को। आप मेरा मेन चैनल भी चेकआउट कर सकते हो, विच इज़ हिना उस्मानी। आई विल मीट इन माई नेक्स्ट वन, टिल देन टेक केयर, बाय एवरीवन।